हाँ गाइज, तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। अभी अभी हमने अम्बोली पीछे छोड़ा है। पीछे मतलब इधर से ओनली 100 मीटर्स पे है। तो अभी इधर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और एक जो स्पॉट आएगा अभी हम उधर जाएंगे। उधर भी कुछ ऐसा ही व्यू मिलेगा देखने के लिए, लेकिन पानी उधर भी नहीं होगा, क्योंकि जब इधर पानी होता है तब उधर पानी थोड़ा सा होता है। अगर इधर ही पानी नहीं है तो उधर पूरा सूख गया होगा, लेकिन व्यू तो अच्छा देखने को मिलेगा। तो उधर ही चलेंगे अभी, तो चलिए चलते हैं। हाँ तो गाइज, हम अपने सेकंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जो है कावड़ेश्वर। लेकिन इधर देखिए कोई भी नहीं है, सिर्फ दो कार्स खड़ी हैं। लेकिन जब आप सीज़न में आते हो तभी यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग के लिए जगह मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए पूरा ग्राउंड खाली है भाई। मैं सूरज भाई और पीछे वो जो अंकल है जिनकी कार है, वो तीन ही लोग हैं यहाँ पे। तो अंदर जाके देखेंगे अंदर अभी कोई है या नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो देखा जाएगा कैसे कैसे क्या क्या है। सूरज भाई अभी देखो क्या क्या कर रहा है। हम पिछली बार यहाँ आए थे तभी मैं और सूरज ही आए थे, लेकिन इस बार इसलिए देखने के लिए आए कि ऑफ सीज़न में यहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पानी तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, बट व्यू ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए तो कितना डीप है। चलिए आगे चल के देखेंगे। कूदने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग और जिंदा बच गए तो सीधा नर्क। हाँ। इधर से पानी ज्यादा उड़ता है। अभी तो हवा नहीं आ रहा है तो रिवर्स फ्लो होता है इसमें पानी का। नेटवर्क पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ तो गाइज, हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और व्यू तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, लेकिन जो बारिश में जो मज़ा है, जो पानी में जो मज़ा है, वो अभी नहीं है। लेकिन देखिए आप कैसा व्यू मिल रहा है, नीचे बहुत डीप है भाई। तो आपको ये वो स्पॉट भी दिखाता हूँ जहाँ से इसका झरना बहता है। और एक बात है कि इसमें रिवर्स फ्लो होता है। रिवर्स फ्लो मतलब जब पानी ऊपर से गिरता है कि हवा की वजह से वो आधे तक पहुँच के फिर ऊपर आ जाता है। जब आप बारिश में आओगे तब इसमें कुछ फेंकोगे, अगर इसमें कुछ फेंक दिया, कुछ मतलब इंसान मत फेंक देना भाई। सोचो अगर बॉटल हो गया या फिर छोटा पौधा हो गया, ऐसे कुछ भी फेंक दोगे तो हवा की वजह से वो नीचे जाके फिर से रिवर्स आके ऊपर से आएगा। और लगता है मैं ही अकेले आ गया हूँ, सूरज भाई तो अभी आया नहीं है। वाह भाई, व्यू तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बस थोड़ी हवा होती ना, वाह बहुत मजा आता। और जो ये पीछे जो इतना डीप दिख रहा है ना, ये अभी देखने को मिल रहा है कि इतना डीप है, क्योंकि जब बारिश का वक्त होता है तभी तो ये दिखता नहीं है, तभी तो पूरा बादल छा जाते हैं, तभी इसका नीचे का तल दिखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो दिख रहा है तो अभी पता चल सकता है कि ये कितना डीप है। और डीप तो भयानक है भाई, देख सकते हो आप। और आ रहे अपने मैराथन वाले सूरज भैया, भागते भागते आ गए।
तो गाइस यही पीछे जो है इसी में से पानी बहता है, पूरा पूरा सूख चुका है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, पानी की एक बूंद नहीं। चलिए थोड़ा क्लोज जाके देखते हैं। देखिए भाई कुछ भी नहीं है, यही जो है पूरा पानी से भरा हुआ रहता है पीछे जो है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं बचा है और धूप बहुत लग रही है इसलिए मैं अभी छाव की तरफ भाग रहा हूँ। सूरज भाई चलेंगे कि रुकना है? कहाँ जा रहे हैं? अभी वीडियो बन गई है। रुकिए तो फोटो वोटो निकलेंगे ना अभी। तो गाइस हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और निकलेंगे, अभी बज चुके हैं 3:30 बजने को आ गया है और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं कि आगे एक और स्पॉट है जो हमें देखना है। हम बहुत बार जाके जा चुके हैं उस स्पॉट के सामने से लेकिन वो स्पॉट अभी तक हमने नहीं देखा, तो वो स्पॉट हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अभी वही मिलता हूँ सीधा। तो चलिए बाय।